हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता, इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इस डब्बे में है 5-in-1। मैं आपको दिखाता हूँ, यह है 5-in-1। इस 5-in-1 का वायरिंग कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है मैं बताऊंगा। देखिए, यह है फ्यूज, यह है इंडिकेटर, यह है स्विच, और इसमें जो 3 होल बड़ा वाला है उसमें 3 पिन टॉप बड़ा वाला लगेगा, और 3 होल छोटा वाला में 3 पिन टॉप छोटा वाला लगेगा। अब मैं इसमें कनेक्शन करूंगा। देखिए, इसका कनेक्शन मैं किस प्रकार करता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस इंडिकेटर के एक पॉइंट पे मैं सप्लाई लाइन का न्यूट्रल दूंगा। देखिए, यहां एक वायर मैं जोड़ रहा हूं। और इस वायर का दूसरा छोर मैं सॉकेट में जोड़ूंगा, और इसी जगह पे मैं सप्लाई लाइन का न्यूट्रल दूंगा। देखिए, न्यूट्रल का वायर मैं जोड़ रहा हूं, ये देखिए। ये मैं इस सॉकेट के इस पिन में लगा देता हूं। सप्लाई लाइन का ये न्यूट्रल है। अब इस फ्यूज के नीचे वाले पिन पे एक वायर हम जोड़ते हैं। देखिए, मैं इसमें वायर लगा रहा हूं, और इस वायर का दूसरा छोर मैं स्विच के नीचे वाले पिन में जोड़ देता हूं। अब स्विच के ऊपर वाले पिन से एक वायर मैं इस सॉकेट के दूसरे पिन में जोड़ दूंगा। देखिए, इस प्रकार से। देखिए, मैंने ये वायर जोड़ दिया है, और यहां से हम इसे इंडिकेटर को फेस देंगे। फेस के लिए ये छोटा सा वायर मैं जोड़ रहा हूं, और इस वायर के दूसरे छोर पे मैं फेस का ये वायर जोड़ूंगा जो सप्लाई लाइन का फेस है, मैं दूंगा इस जगह से। देखिए, ये फ्यूज के ऊपर वाले पिन में इसे जोड़ना है। अब इस जगह पे देखिए, ये जुड़ गया इस प्रकार से। देखिए, ये है फेस जो इस फ्यूज के ऊपर वाले पिन पे सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद यहां से ये इंडिकेटर को देता है एक पिन पे, और फिर ये यहां से देखिए इस पिन पे आता है, नीचे वाले पिन पे आता है फ्यूज का, और यहां से फिर ये स्विच के नीचे वाले पिन पे चला जाता है। देखिए, और जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये यहां से ऊपर वाले पिन पे चला आता है, और ये सॉकेट को लाइन दे देता है, ये फेस का लाइन यहां आ जाता है इस प्रकार से। देखिए, और ये है न्यूट्रल, यहां से
न्यूट्रल सॉकेट में आता है स्पिन पे, और यहाँ से ये इंडिकेटर को चला जाता है। देखिए इसमें एक पतला सा वायर मैंने पहले से जोड़ कर रखा है, इस फ्यूज में एक पतला सा वायर जोड़ा जाता है जो मैंने पहले से जोड़ कर रखा था, और इस प्रकार हमारा कनेक्शन पूरा हो जाता है। अब 5-in-1 के लिए एक बॉक्स ले लेते हैं, इस बॉक्स को इस जगह पर कटिंग कर देते हैं वायर बाहर निकालने के लिए। अब इस प्रकार इसे बॉक्स में फिट कर देते हैं। देखिए मैंने सप्लाई लाइन दिया और ये इंडिकेटर जलने लगा है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।